सितारगंज में अवैध तरीके से नशीले पदार्थों का क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के तहत जनपद में अपराधों की रोकथाम, नशा, मादक पदार्थों और ड्रग्स के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल के निर्देशन, क्षेत्र अधिकारी सितारगंज ओम प्रकाश के निर्देशन में सिटकुल चौकी प्रभारी कोतवाली के पुलिस ने ग्राम पहाड़ी उखरौली में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे कुलविंदर सिंह को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की तलाशी लेने पर 5 ग्राम से अधिक का अवैध स्मैक बरामद हुआ है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया। सितारगंज से सफर अंसारी की रिपोर्ट। तो मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति जो कुलविंदर सिंह को स्मैक कर दिया। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिस टीम द्वारा कुलविंदर सिंह को पहाड़ी कॉलोनी से 5.10 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया, जिसको गिरफ्तार करके टीम सर इनका पहले क्या तलाश किया जा रहा है।